बर्बाद कर दिया इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को, खा गए ये दोनों मिलके, और इनके हवारी कोई बैठा हुआ है टर्की का ठरकी, कोई शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार। मौला जाट बन के दिखाने की कोशिश कर रहा है, ढक्कन के हमें बेवकूफ बना रहा है, यहाँ पर बैठकर हाँ। क्रिकेट हमें सिखा रहा है, और ये जो अपने जाट बाबर सेल्फिश इनिंग खेलता है, उसके बाद बाबर ने 114 बॉले लगा दी भाई, 114 बॉले लगा दी सिर्फ 79 रन से, और वही 79 रन से पाकिस्तान आज मैच हारा। लेकिन यार अपने रन्स कर देने यार, मेरे रन्स हो जाए, मैं रिकॉर्ड बुक के ऊपर 102 पे रहूं, हमेशा ऊपर ही रहूं, मेरी जो है तुलना कभी विराट से की जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट का नाम में। दोस्तों पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में बुरी तरीके से हार गई, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया यह कह रही है कि बाबर रिजवान की टुक टुक बैटिंग के चलते पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरीके से हारी है। बाबर रिजवान के बारे में पाकिस्तानी मीडिया और क्या कुछ कह रही है, सीधे चलते हैं वीडियो में। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भाई ये अंडर प्रेशर हल्की सी स्पिनो बॉल तो ये कुछ नहीं कर सकता, बाउंसी विकेट हो तो ये कुछ नहीं कर सकता, इसको कागज और पेपर पे जो किंग बनाते हैं उनके जाती मफादात हैं, वो रीजनल कार्ड प्ले करते हैं। ये दोनों शुरू से खेल लेते रिजवान और बाबर, 21 लीगल ओवर, 126 लीगल डिलीवरीज में 86 डॉट बॉल खेलने वाली टीम कैसे 250 से ऊपर का रिकॉर्ड चेस कर सकती है रन, ये मुझे बता दे यार कोई। बर्बाद कर दिया इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को, खा गए ये दोनों मिलके, और इनके हवारी कोई बैठा हुआ है टर्की का ठरकी, कोई बैठा हुआ लंदन में, पेरिस में, क्रिकेट के बाप विराट कोहली पे ट्वीट करो ना, विराट कोहली पे ट्वीट, अबे विराट कोहली की ग्रेवी भी नहीं है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार। मैंने पहले ही कहा था शनाका, तुम इसको बचाते हो, शनाका बड़ा पसंद आ रहा था, शनाका की तरह पांच छक्के ही मार लेता, पकड़ के घर के सोते हुए बच्चे उठाकर उन्होंने बुला के वो टीम खिलाई इंग्लैंड की, उससे इंग्लैंड व्हाइट वॉश हो गया। बाबर मेरा सीख रहा है, सिखाओ इस मेरे घंटे को, तुम जीतने क्रिकेट सिखाने आ जाते कि 100 मीटर की है, 50 मीटर की बाउंड्री मारने के लिए दम चाहिए ना, इसके हाथों में दम है, 5 के एवरेज को 10 पे लेकर आ गया, और तू वहां पे सुल्तान राय बन के मौला जाट बन के दिखाने की कोशिश कर रहा है, ढक्कन के हमें बेवकूफ बना रहा है, यहाँ पर बैठकर क्रिकेट हमें सिखा रहा है, और ये जो अपने जाटू के तूने लगाए हैं सोशल मीडिया पे दुप्पल के नाजायज बच्चे, इन पे हमें छोड़ रहे कि ये घंटे का नहीं है, अबे ये घंटे से भी फिरा हुआ है बिल्कुल ही, आज आप लोगों ने एक्सपोज होते हुए देख लिया होगा आज को, बोलने के लिए जो इनके घंटे की कप्तानी बचाए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार इससे 20 मैच से बेहतर कल गुवाहाटी में होने वाले मैच की हाईलाइट ही देख लेते, आज खत्म नहीं हुआ अगर 183 से उनका कोलैप्स हुआ तो पाकिस्तान क्लब्स का मास्टर है, और जो 37 रन सेंटनर ने डाले हैं, एक और चीज जो मैंने बहुत पहले कही थी, आज सारे कहते हैं और कुछ तो आगे बढ़ के मुंह में डाल लेते हैं बाबर को, कुछ बाबर के खिलाफ बोलते हैं, बाबर सेल्फिश इनिंग खेलता है, कल शनाका का 100 आया लूजिंग कॉज में, आज 79 अकेला खेल रहा था, अगर सलमान 100 के स्ट्राइक रेट प्लस पे गिरा उसे रन आउट करवा दिया, वसीम जूनियर ने अपना विकेट सैक्रिफाइस किया रन आउट करा दिया, नवाज ये जो मोहम्मद रिजवान है कैच इससे नहीं पकड़े जाते, बैटिंग इससे नहीं होती, अगर हारिस सोहेल और आगा सलमान वनडे में भी बैट्समैन नहीं है, सेठी साहब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये आपके पिता श्री की नहीं है, जैसे मैं ये बाकियों के लिए कहता था, आप पूरा जहाज भर के ले गए क्रिकेट बोर्ड के पैसों में, क्यों वजह, और ये शकील शेख साहब आप पावरफुल मेंबर गवर्निंग बोर्ड के मेंबर थे, पहले भी यही कारनामे आपके थे, गिराए आपका घर, आपकी पिच, आपकी कंडीशन, आपका मुल्क, उन्होंने रीड किया, 4 स्पिनर खिलाए, ट्विटर के जो किंग है वो कह रहे हैं बेचारा बाबर, तो अब्बा जी बना ले बाबर को अपना, बना ले फौरन से पहले, आप आपको बता रहा हूँ रन रेट हायर इसलिए हुआ है कि आप बोले टुक 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 टुक, हाँ आप अपने लिए खेलते हैं, आप मानते नहीं है ये बात, ये कैसा मुल्क है यार कि जो जिसमें कोई ईमानदार वो इनको नजर नहीं आता।
उसके बाद बाबर ने 114 बॉले लगा दी भाई, 114 बॉले लगा दी सिर्फ 79 रन से, और वही 79 रन से पाकिस्तान आज मैच हारा। लेकिन यार बाबर आजम को अपने रन से ज्यादा टीम का कप्तान है और टीम को जितवाने का काम है, ये नहीं कि अपने रन्स कर देने, यार मेरे रन्स हो जाए, मैं रिकॉर्ड बुक के ऊपर 102 पे रहूं, हमेशा ऊपर ही रहूं, मेरी जो है तुलना कभी विराट से की जाए, कभी उससे की जाए, मैं वहां रहूं। लेकिन इस चीज का फायदा क्या जब आप रन्स भी करो लेकिन वो रन्स हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो। नंबर वन हमने बनना था, वो भी सपना गया हमारे हाथ से। मैं जिसको कहते हैं कि ऐसे तोहफे देते हैं ना, आउट हो गए थे तो रिजवान और बाबर ने मैच को इतना स्लो कर दिया, इतना स्लो कर दिया, इतना स्लो कर दिया, बिल्कुल लिटाई दिया मैच। रिजवान खेलना शुरू हुए हैं, इतना स्लो कर दिया मैच, वो गेम खत्म कर दी थी वहां पे। जब ठीक है इमाम आउट हुए, गलती है फहर की भी गलती है, वो दोनों आउट हुए, लेकिन वहां पर अगर आप देखो कि वहां पर जो एक इनिंग इन्होंने बिल्ड किया है, दोनों गेम को 60 स्कोर तक लेकर गए हैं, वहां पर बहुत स्लो कर दिया दोनों ने गेम को, बिल्कुल